गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू जी, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य बीएड कॉलेज बेतिया, प्रतिदिन आप लोगों को सिलेबस को देखते हुए वीडियो को अपलोड किया जाता है, जिसका चैनल है चाणक्य कॉलेज बेतिया। इसके साथ साथ मैं अपना भी चैनल अशरफ चाणक्य बेतिया के नाम से भी YouTube पर अपलोड किए हैं। तो आप लोग चाणक्य बेतिया या अशरफ चाणक्य बेतिया को सर्च कीजिए और क्या कीजिए, उसको वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, ताकि इसके माध्यम से आपको प्रतिदिन नया नया वीडियो आपके पास क्या हो, अपलोड हो, दिखाई दे और अपनी क्या करे, सिलेबस को पूरा करे, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, ठीक है, एक यूनिट आएगा थर्ड में, ठीक है, और बीड है उसमें क्या आएगा, सेकेंड में आएगा, फोर्थ में भी आएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें यूनिट लेकर चल रहा है क्या, यूनिट फोर्थ में, यूनिट फोर्थ में देखेंगे बीएड में, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, अधिगम असमर्थता क्या है, ठीक है, आप सभी से हम बोल रहे हैं कि असमर्थता का नाम तो आप लोग सुने हैं, असमर्थता का नाम सुने हैं ऑलरेडी सभी कोई, हाँ संजीव सुने हो जी। तो अधिगम असमर्थता क्या होता है, असमर्थता का मतलब क्या होता है, बाधा, समस्या, ठीक है। तो उसी के आधार पे क्वेश्चन है कि सोसाइटी में, समाज में अनेक प्रकार के क्या होते हैं, व्यक्ति होते हैं, अनेक प्रकार के क्या होते हैं, बालक होते हैं, और सभी की क्या होती है, कुछ अलग अलग समस्याएं होती हैं। उस समस्या के प्रति हमें क्या होना है, जागरूक होना है, समझना है और उनको हमें अच्छे राह पर ले जाना है। उनके लिए हमें क्या होगा, कुछ ना कुछ कठिन से कठिन परिश्रम करना होगा, ठीक है। तो उसी के आधार पर जो हमारे सामने क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, उसे हम क्या करें, पढ़े और उसको सबसे पहले हम लोग नोट करें। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिगम असमर्थता या डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया से ग्रसित बालक कौन कौन से हैं और उनकी समस्या क्या है और फिर भी उसका समाधान क्या है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि केवल आपसे क्वेश्चन पूछेगा अधिगम असमर्थता क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा अधिगम असमर्थता क्या है, ठीक है, इतना भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अधिगम असमर्थता से आप क्या समझते हैं, या यहां पे पूछ लेगा डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया से ग्रसित बालक कौन कौन से होते हैं, उनकी समस्या क्या क्या होती है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन लिखिए कि अधिगम असमर्थता या डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया से ग्रसित बालक कौन कौन से, उनकी समस्या क्या है और उस समस्या के प्रति हम जागरूक कैसे रहेंगे, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन इसका परिचय भी थोड़ा सा होगा, तो आपको ध्यान देने की यहां किसी क्या है, यहां से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अधिगम असमर्थता डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया से क्या समझते हैं, या ऐसे पूछेगा अधिगम असमर्थ बालक की पहचान क्या, उनकी समस्या क्या, उनका समाधान क्या, एग्जाम में पूछता है, यहां तक कि जो कंपटीशन का आपका एग्जाम होगा उसमें भी क्वेश्चन पूछेगा, उनकी पहचान का वर्णन करें, ठीक है।
तो सबसे पहले हमें क्या करना, अब जैसे इनकी क्या है कुछ परिचय है और उस परिचय को हमें क्या करना है, देखना है, ठीक है, कि असमर्थ बालक कौन कौन से होते हैं। अब असमर्थता की क्या है, कमी नहीं है, ठीक है, असमर्थता है। अब समस्या की कमी है, बिल्कुल नहीं है समस्या की कमी, ठीक है। आप लोग एक फिल्म देखे होंगे, मूवी देखे होंगे, तारे जमीन पे, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है जी, तारे जमीन पे, जमीन पे अबीर खान का फिल्म है, ठीक है। तो अगर इस मूवी को आप देखिएगा तो आपको और भी समझ में आ जाएगा कि असमर्थता क्या है। अब उसमें अमीर खान है वो क्या है, डिस्कैल्कुलिया से क्या है वो ग्रसित है, डिस्कैल्कुलिया से क्या है वो ग्रसित बालक है, ठीक है। इसलिए कि कैलकुलेशन की क्या है, उनकी प्रक्रिया कैलकुलेशन का ढंग नहीं है, कैलकुलेशन करने में क्या है उसको असमर्थता है, उसकी समस्या है। अब वही डिसलेक्सिया की बात हम कर रहे हैं, डिसलेक्सिया। अब देखिए डिसलेक्सिया में क्या होता है, पठन, रीडिंग करने में उनको क्या होती है, अक्सर समस्या होती है, क्या होती है उसको, रीडिंग करने में अक्सर समस्याएं होती है, पढ़ने में क्या होती है उसको अक्सर समस्या है, वो पठन कार्य जो होता है वो पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है। अब पढ़ने में क्या दिक्कत होगी, वो हकलाने लगेगा, तुतलाने लगेगा, बस बोलता है, ठीक है, वो अपनी वाणी होगा उसको क्या करेगा, स्पष्ट नहीं कर पड़ेगा। इसके साथ साथ क्या होगा, वो लिखने में भी उसको लिखने में भी क्या होगी, कठिनाई होगी, समझने में भी कठिनाई होगी। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इसको नोट करें, एक एक करके हम लोग क्या करें, इसको देखते चले, ताकि पता चलेगा कि यहां पे समझाया जाएगा और समझाने के बाद क्या होगा कि आपको स्पष्ट समझ में न आ पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए डिसलेक्सिया, नंबर ए दे दीजिए और आप लिखिए डिसलेक्सिया जी, अस्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मार्कर का प्रॉब्लम है, ठीक है, लॉकडाउन की वजह से मार्कर मिल नहीं पा रहा, ठीक है। तो डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया है क्या, ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करें, परिचय थोड़ा सा लिख रहे हैं, परिचय बोल रहे हैं, आप लोग लिखिए, डिसलेक्सिया कोई बीमारी नहीं है, यहां पे लिखिए, यह कोई बीमारी नहीं है, लिखिए, हम बोल दे रहे हैं, डिसलेक्सिया कोई बीमारी नहीं है, न ही मानसिक क्या है, आयोग्य है, कमजोरी है, ठीक है, न यह कोई बीमारी है, ना कोई क्या है, यह आयोग्य है, यह पढ़ने लिखने संबंधी क्या है, एक बीमारी है, डिसलेक्सिया क्या है, कोई बीमारी नहीं है, कोई कठिन बीमारी नहीं है, यह पढ़ने लिखने संबंधी क्या है, एक बीमारी है, ठीक है, पढ़ने लिखने संबंधी क्या है, बीमारी, जिसमें शब्दों को पहचान, जिसमें शब्द जो होते हैं, शब्द का नाम आप लोग सुने, सेंटेंस होता है, वाक होता है, शब्दों की पहचान क्या करने, शब्दों की पहचान करने में, पढ़ने में, याद करने में, बोलने में परेशानी होती है, कठिनाई होती है, परेशानी कठिनाई क्या होती है, महसूस होती है, क्या होती है, पढ़ने लिखने में क्या होती है, अक्सर कठिनाइयां होती है, परेशानियां होती है, ठीक है, वैसे बालक को जिसको क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। यह समस्या 3 से 15 वर्ष तक के बच्चों की होती है, इसको नोट कीजिए कि डिसलेक्सिया से ग्रसित जो बीमारी होती है वह 3 से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं उन्हीं को अक्सर यह समस्या क्या होती है, दिखाई देती है। और वो भी कितने परसेंट, 100 में देखा जाए तो 2 से 3%, मतलब 2 से 3 बच्चे,
ठीक है, लेकिन अगर उसको हम चाहते हैं कि अगर प्यार दुलार सहयोग दें तो समस्या के क्या होगा, धीरे धीरे समाधान आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो यहां हम समझे कि डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया कोई बीमारी ना है, कोई ना कोई मानसिक क्या आयोग है, वह क्या है, एक प्रकार की मानसिक कमजोरी है। ठीक है, वह एक प्रकार की क्या है, मानसिक कमजोरी है। अगर उसे हम प्यार दुलार सहयोग दे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और यह कितना होता है, 3%। 100 बच्चा होगा उसमें तो अक्सर ज्यादा होगा, क्या होगा, 3 बच्चे को यह क्या होती है, इस बीमारी से ग्रसित दिखाई देती है। ठीक है, अब उसमें क्या है, इतना तो हमने परिचय में लिख लिया, अब उनका लक्षण क्या है। जब आप जिस चीज को जानते हैं तो उसका क्या होगा, कोई ना कोई लक्षण होगा, और वह लक्षण कौन कौन सा है, उस लक्षण को हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिसलेक्सिया क्या है, तो इतना तो कह सकते हैं कि डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया एक मानसिक क्या है, आयोग है, कमजोरी है, जिसमें बच्चों को क्या होता है, पढ़ने लिखने बोलने संबंधी क्या होती है, कठिनाई होती है। वह 100 में 3% बच्चों की होती है, लेकिन उसे प्यार दुलार सहयोग मिले तो ये समस्या का क्या होगा, समाधान हो जाएगा। एक ही चीज को हम बार बार रिपीट कराएं तो क्या हो जाएगा, एक कठिनाई धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो ठीक है, अब इनका लक्षण है, इंक डालने के बाद भी मार्कर नहीं चल रहा है, लग रहा है कि नया मार्कर ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जैसे फर्स्ट में लक्षण, एक में देखिए वाणी का नाम सुने हैं, वाणी, ठीक है, वाणी का नाम सुने हैं, वाणी, वाणी संबंधी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, वाणी संबंधी समस्या। तो वाणी संबंधी क्या होता है, वाणी संबंधी समस्या में क्या होगा कि जो बालक होगा, जो अपनी बातें होगी उनको, जो उसको एक्सप्लेन करने में क्या होगा, कठिनाई होगा, वो अपने बात को क्या करेगा, स्पष्ट रूप से कह नहीं पाएगा। ताकि अब वाणी संबंधी, जैसे मैं अपनी बात को आपसे स्पष्ट बोल रहा हूं जी, आप सभी को दिखाई दे रहा है जी, आप सभी को सुनाई दे रहा है, मेरी आवाजें स्पष्ट आपके पास पहुंच रही है, तो उस तरह जो बालक बोलेगा क्या होगा, वो बात स्पष्ट नहीं समझ में आएगा। ठीक है, क्या करेगा, अगर आपको बैठने के लिए मोटिवेट करेगा तो क्या करेगा, वैसे बोलेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। आप उस बात पे क्या कीजिए, हंसना प्रारंभ करिए, कमेंट करना प्रारंभ कर दीजिएगा, जी साहिब कोई समस्या। ठीक है, तो क्या होगा उसके बाद, वो क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हकलाना। अब क्या करें, मार्कर नहीं चल रहा है तो, ठीक है, वो हकलाना तुतलाना प्रारंभ कर देता है। हकलाना समझते हैं, उसके साथ साथ क्या होता है, तुतलाना, हकलाना और तुतलाना। अगर कोई बात बोलेगा तो लगेगा कि 5 कट्ठा जमीन खोद कर आया है, लग रहा है कि कोई काम कर क्या करेगा। ठीक है, तो इस सारी क्या है, उसकी एक्टिविटी है। तुतलाए का मतलब देखते हैं कि जो क्या होता है, आधा बोलता है अपनी वाणी को, तू 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 करता है। ठीक है, वैसे बालक भी होता है जिसको हम क्या हो गए, डिसलेक्सिया बोलेंगे। उसके बाद क्या, देखने में भी कमी होगा। नेक्स्ट, देखने में कठिनाई। ठीक है, अब कोई चीज देखेगा तो क्या होगा, उसको अक्सर ज्यादा कठिन है। अब जैसे मानते हैं कि मेरे पास एक बुक है, अब इस बुक को उठाकर देखेंगे तो कैसे देखे, साफ लगेगा कि वो अपना आंख जो है बुक में घुसा दिया, इतना नजदीक से देखेगा। ताकि उतना नजदीक से अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, अस्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो साफ क्या करेगा, बुक में वो अपना नजर गड़ाएगा तब पड़ेगा। और हम लोग को पढ़ना है तो कैसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं कि हाँ कहां क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। ठीक है, तो वो सारी क्या है, कुछ समस्याएं उनके साथ साथ क्या होती है, जुड़ी रहती है। और वैसे बालक होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया से ग्रसित बालक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके अक्षरों को उल्टे ढंग से प्रस्तुत करना, देखना जो राइटिंग होता है, 4 नंबर में राइटिंग, राइटिंग या क्या होता है, वर्ड होता है,
ठीक है, उसको क्या करते वो उल्टे ढंग से प्रस्तुत करते। अब उल्टा ढंग क्या होता है, ठीक है, अब उल्टे ढंग की मतलब है क्या कि जैसे मानते यहां पे 6 लिखना है तो यहां पे 9 लिख के, ठीक है, वो 6 को क्या करेगा 9 प्रस्तुत करेगा, उसको अस्पष्ट। अब जैसे मानते हैं कि बी लिखा गया तो क्या करेगा इसको डी समझ लेगा। तो ऐसे ऐसे क्या सेंटेंस आएंगे जिसको उसको समझने में क्या होगी, शब्दों में कठिनाई महसूस होगी, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है, राइटिंग वर्ड शब्द कंटेंट सेंटेंस के समझने में क्या होगी उसको कठिनाई। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं क्या, दृष्टि सोच, मतलब जो उसकी सोच है, थिंकिंग है, सोच विचार क्या होगी बिल्कुल कम होगी, जो उनकी क्या होती है कठिनाई होगी, जो सोचने समझने पे क्या होगा अक्सर उनकी मानसिकता में क्या होगी कमजोरी भावना आएगी, अरे हम इसको नहीं कर पाएंगे, हम इससे नहीं से सोच पाएंगे, ठीक है, इस स्टेज पे उनके मनोबल मानसिकता में क्या होगी मेंटलिटी में भरेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा लेखन दोष में हुआ, अगर राइटिंग यहां की बात हुई राइटिंग लिखने की, तो लिखने में जो उसको क्या होगी अक्सर ज्यादा कठिनाई होगी, जो सेंटेंस जो शब्द लिखेगा वो क्या होगा अक्सर गलती लिखेगा, उसमें शुद्धता नहीं पाई जाएगी, अशुद्धता ज्यादा दिखाई देगी, ठीक है। तो यहां पर ये पॉइंट हो गया 6 नंबर में क्या होगा कि लिखने संबंधी। उसके बाद अल्पकालीन सोच, अल्प का मतलब क्या होता है अल्पकालीन, अल्पकालीन सोच का मतलब क्या होता है बोले उसका जो थिंकिंग होगा वो क्या होगा थोड़ा सोच होगा, और थोड़ी सोच के साथ साथ क्या होगा किसी बात को किसी सेंटेंस को किसी शब्द को क्या करेगा ज्यादा देर तक याद नहीं रखेगा अपने मेमोरी में। आप किसी बात को आप उसको समझा दिए बुझा दिए लेकिन क्या करेगा वो ज्यादा देर तक उसे सोच समझ के अपने मानसिकता में नहीं रखेगा। आप इधर कह दिए कि बाबू अच्छा से बैठ कर पढ़ो, ठीक है, ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, चलो खाना खा लो, ठीक है, आप उसको कोई अच्छा से अच्छा गलत से गलत बात के प्रति मोटिवेट के लिए क्या करेगा वो समझेगा नहीं। आप कहिए कि तुमको पढ़ लिखकर महान व्यक्ति बनना है, लेकिन आपकी कहने का काम है कहने का ये कहावत सुने कि हे कान से सुनल जाला हे कान से निकाल दिया ला। हम इधर बोले आप इसको ग्रहण किए और जैसे ही हम इसको छोड़ के गए तब तक इधर से क्या होगा निकल कर भाग गया, क्लास में समझाया गया जंगला में निकल गया, ठीक है। तो ये सारी क्या है डिसलेक्सिया से ग्रसित बालक है, ठीक है। उसके बाद है चिंतन की कमी, अब चिंता किसी का नाम सुन गए चिंता की कमी, चिंता की कमी या चिंतन की कमी, ठीक है। इसके साथ साथ होगा क्या समायोजन, जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट, समायोजन की कमी। वैसे बालक जो होंगे उनके पास क्या होगा समायोजन का क्या होगा अभाव होगा, वो सही से क्या करेंगे किसी चीज को किसके साथ कैसा बिहेव होना चाहिए उस सारी ब्याज पर क्या करेंगे वो ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है। ये सारी क्या है असमर्थता है, और असमर्थता का तीन पार्ट है, वो तीन पार्ट से किसका पार्ट है एक पार्ट है। तो आपके ध्यान में जहन में ये रहना चाहिए कि डिसलेक्सिया से ग्रसित बालक होते हैं उसको पढ़ने संबंधी अक्सर कठिनाइयां होती हैं। अब पढ़ने संबंधी हकलाएंगे तुतलाएंगे, राइटिंग सही नहीं होगा, चिंतन कम होगा, शुद्धता नहीं होगी, समायोजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो पॉइंट था डिसलेक्सिया था, ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उसमें क्या देखेंगे डिसग्राफिया देखेंगे डिसकैलकुलिया देखेंगे। तो आप इसको अच्छा से देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज के हमारी क्लासेज को क्या किया जा रहा है एंड किया जा रहा है, यह बीएड और डीएलएड दोनों के लिए है। धन्यवाद।